हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नी के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ एक ही घर में रहते हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर से चर्चा में है। वजह, उनकी दोनों पत्नियाँ पायल मलिक और कृतिका मलिक एक साथ प्रेगनेंट है। अरमान मलिक ने खुद दोनों की तस्वीरें शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। अरमान मलिक की जिंदगी उतार चढ़ाव विवादों भरी रही है। जब उन्होंने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की थी तब भी खूब हंगामा मचा था। वहीं हम आपको बता दें तो अरमान मलिक ने साल 2011 में पायल मलिक से शादी की थी। दोनों का एक बेटा चिरायु है। साल 2018 में उन्होंने अपनी पत्नी की दोस्त कृतिका से दूसरी शादी रचाई थी। वहीं हम आपको बताते चले तो अरमान मलिक काफ़ी बैंक में नौकरी किया करते थे और पैसे डिपॉजिट करने का काम करते थे। इसी दौरान उनकी पायल से मुलाकात हुई थी। एक इंटरव्यू में अरमान कहते हैं कि पायल बैंक में अकाउंट का काम देखती थी, खाते वगैरह खोला करती थी। वही नंबर एक्सचेंज हुआ था। 6 महीने बाद हम दोनों करीब आ गए और कोर्ट मैरिज कर ली। अरमान मलिक कहते हैं कि मैंने सबसे पहले पायल को ही बताया था कि मेरा तुम्हारी दोस्त कृतिका के साथ अफेयर चल रहा है, उससे शादी करना चाहता हूँ। उस दौरान हम दोनों के रिश्ते बेहद ख़राब हो गए थे। पायल के घर वाले इसे लेकर चले गए थे। उस वक्त मैं डिप्रेशन में चला गया था, सुसाइड तक के ख्याल आने लगे थे। वहीं अब पायल मलिक कहती हैं कि वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था। मैं छिप छिपा कर अरमान से बात करती थी, बाद में मैं वापस आ गई। अब मेरी फैमिली से मैं बात नहीं करती, ना ही मैं आगे करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता खराब हो गया था। उनके भड़कावे से चीज़ें खराब हो गई थी। उन दिनों दूसरी शादी का भी दबाव बनने लगे थे। वहीं अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका की माँ एक इंटरव्यू में कहती हैं कि इन दोनों मुझे 4 महीने तक नहीं बताया था कि शादी कर ली है। बाद में जब हमें पता लगा तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन जब दोनों को खुश देखा तो संतोष हुआ कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लोग पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लेकिन सामने कोई कुछ नहीं कहता है। अरमान मलिक ने जब दूसरी शादी की तो हंगामा बरपा। बकौल अरमान मलिक, जब उनकी पत्नी पायल के घर वालों को दूसरी शादी का पता लगा तो करीब 9-10 लोग अचानक से घर में धमके और उन्हें घेर लिया। सारी प्रॉपर्टी पायल के नाम थी, इसलिए उन्होंने हमारे कपड़े एक चादर में बांधे और मुझे और कृतिका को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उस वक्त मेरे पास ना तो पैसे थे ना ही कोई बैंक बैलेंस था। अरमान कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मुझे 10x10 के छोटे से कमरे में रहना पड़ता था। अरमान मलिक का असली नाम संदीप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्हें इसी नाम से प्रसिद्धि मिली तो यही नाम कैरी कर लिया। बकौल अरमान, तमाम लोगों को उनका नाम देखकर लगता है कि वो मुसलमान है, लेकिन वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो अरमान मलिक आज बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं। यूट्यूब के अलावा तमाम ब्रांड प्रमोशन से भी पैसा कमाते हैं। अरमान मलिक के इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन और यूट्यूब पर 2 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं, जो कई सेलिब्रिटीज से कहीं ज़्यादा हैं। उनकी दोनों पत्नियाँ पायल मलिक और कृतिका मलिक के भी अच्छे खासे फॉलोअर हैं। अरमान मलिक की रूटीन से लेकर फिटनेस ब्लॉग्स अक्सर वायरल होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नी कृतिका मलिक और पायल मलिक के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।